वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ होममेड देसी घी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है और इसे बनाते हैं चलिए अब हम। तो इसके लिए मैंने देखिए यहाँ ली है मलाई, ये मैंने 3 से 4 दिन की मलाई को जमा कर लिया है और ये देखिए ढेर सारी मलाई है। तो इसमें से अब हम हाफ मलाई को ये देखिए मैंने जार में शिफ्ट कर लिया है। हम एक साथ पूरी मलाई नहीं लेंगे फ्रेंड, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ग्राइंड करने में दिक्कत ना हो। अब हम इसे कवर कर लेंगे और लो स्पीड पर 1 मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे। 1 मिनट हो चुका है फ्रेंड, अब 1 मिनट बाद हम अपने क्रीम को देखते हैं। ये देखिए हमारी मलाई अच्छी तरह से फेंटती जा चुकी है मिक्सर की सहायता से। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 कप एकदम ठंडा पानी और इसे फिर से कवर करके फ्रेंड हम इसे फिर से 1 मिनट के लिए लो स्पीड पर अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। 1 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड हमारी क्रीम की कंसिस्टेंसी देखिए ये थोड़ी लिक्विडी हो चुकी है। तो इसे हम मिला लेते हैं और इसमें फिर से ऐड कर देते हैं ठंडा पानी 1/4 कप। फ्रेंड हमारा पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और इसे हम फिर से ग्राइंड करेंगे 2 मिनट के लिए लो स्पीड पे कंटिन्यूस। और 2 मिनट बाद देखिए फ्रेंड वाओ हमारा मक्खन बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अब हम अपने मिक्सर जार को बाहर कर लेते हैं फ्रेंड और ये देखिए हमारा मक्खन कितनी अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। तो अब हम हल्के हाथों की मदद से अपने मक्खन को अलग कर लेंगे फ्रेंड और दोनों हाथों की मदद से इसे दबाते हुए एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेंगे और मक्खन के गोले तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा गोला तैयार हुआ है हमारे मक्खन का। तो इसी तरह हम अपने सारे गोले को तैयार कर लेंगे फ्रेंड। ये देखिए मैंने इसी तरह अपने सारे मक्खन को ग्राइंड करके इस तरह गोला तैयार कर लिया है। अब हम अपने कढ़ाई को गैस पर रखकर गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे फ्रेंड और इसी तरह हम अपने मक्खन को पकने देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। ये देखिए फ्रेंड बिल्कुल लो फ्लेम पर हमारा मक्खन पक रहा है। फ्रेंड हम जितने लो फ्लेम पे अपने मक्खन को पकाएंगे हमारा घी उतना ही बेहतर और बहुत ही अच्छा बनेगा और घी की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा निकलेगी। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि हमें अपना फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। ये देखिए फ्रेंड 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा मक्खन मेल्ट होना शुरू हो चुका है और ये देखिए 5 मिनट के बाद बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब हम इसी तरह से लो फ्लेम पर बिल्कुल पकने देंगे फ्रेंड, हमें इसे ज़्यादा नहीं चलाना और इसी तरह इसे अच्छी तरह से पकने देना है 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड और ये कितनी अच्छी तरह से हमारा घी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए फ्रेंड हमारी घी 10 मिनट के बाद बहुत अच्छी तरह से निकल चुकी है, कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। तो अब हम इस वक्त पे अपने फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1/2 लेमन का जूस। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड, इस लेमन के जूस को डालने के बाद हमारे घी का सुगंध जो है खुशबू बहुत बढ़ जाता है और ये देखिए कलर भी बहुत प्यारा आ जाता है। हमारा कढ़ाई बिल्कुल गर्म है और ये देखिए अब ये ठंडा हो चुका है हमारा घी और कितने ज़्यादा घी निकले हैं फ्रेंड। तो तैयार है हमारा घी, अब हम इसे ठंडा